मुंबई में, नवी मुंबई शहर जिला में कमेटी का प्रारूप जो है उसको हमने फाइनल करने का आज डिसीजन लिया है। और इस डिसीजन में जो लोग हैं, किसको क्या पद देना है और वो अपने पद का निर्वाह कैसे जिम्मेदारी के साथ करेगा, अपने पद के साथ वो कैसे न्याय कर पाएगा, इसलिए ये मीटिंग रखा गया था कि बता दिया जाए कि उस व्यक्ति को आप जो पद ले रहे हैं आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो डिस्कस हुआ और सभी लोगों ने माना कि जो हम पद ले रहे हैं उसके साथ हम न्याय करेंगे, उनकी जो हमको जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी को हम 100% पूरा करेंगे। पार्टी का जो विचार है, जो अखिलेश जी का, माननीय मुलायम सिंह जी का, जो हमारे चंद्रग्रह हैं, जो माननीय अबू आजमी साहब का, जो विचारों का प्रचार प्रसार हम जनता में कैसे ले जाएंगे, इस पर चर्चा है। लेकिन आप देखेंगे, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, कभी तो गिनती एक से ही शुरू होती है और 1 से 11 ऐसा 1001 से 11 ऐसे क्रम में हम बढ़ेंगे और हम जल्दी ही इस कमेटी को विस्तार रूप देंगे और न्यू बॉम्बे में, नवी मुंबई में एक अपना अलग वजूद बनाएंगे। जो आपने मुंबई का नाम लिया वो बहुत पहले से आजमी साहब ने उसको संभाल के रखा है और नवी मुंबई से आगे चलते जाइए तो थोड़ा कमजोर है ये मानते हैं, लेकिन हम लोग सब लोग, वो तो एक बड़ा उत्साह का कारण बना हमारे कार्यकर्ताओं में, एक तरह से जान फूंक दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, और उसका नतीजा है कि हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, साउथ ले लीजिए, ये बहुत लोग उत्साहित हैं समाजवादी पार्टी के लिए। तो आप देखेंगे, हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखेंगे महाराष्ट्र में भी मुंबई से बाहर निकलेंगे तो समाजवादी पार्टी कमजोर थी, रहेगी नहीं, ऐसा नहीं है, हम मजबूत करेंगे। कार्यकर्ताओं का जो हम पद का जो लेटर दे रहे हैं, साथ साथ में हमारा ये भी सोचना है कि हम माननीय अबू आजमी साहब को यहाँ बुलाएं और उनके हाथों से एक कार्यक्रम रख करके इन कार्यकर्ताओं, इन पदाधिकारियों को पद का लेटर दें, एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने ये भी डिसीजन जो हमारी अभी पेंडिंग में है कि हम उत्तर प्रदेश से चाचा शिवपाल जी को बुलाएं और हम कुछ लोग जो लोकसभा में जीत के आए हैं या ऐसे लोग जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड हैं, चाहे वो कोई भी हों, हम कुछ लोगों को सम्मानित करें उत्तर प्रदेश से बुला करके। उपाध्यक्ष का पद मिला हुआ है न्यू बॉम्बे का, मेरा नाम है बिंदु कुमार यादव, और उसके बाद में हम यहाँ जो भी काम करेंगे लोगों के साथ मिलके और सारे हमारे जो भाई साथियों हैं उनके साथ मिल करके हम यहाँ पे पार्टी को मजबूत बनाएंगे और अच्छी तरह काम करेंगे, यही हमारा शुभकामनाएँ हैं। अभी देखिए आगे क्या करते हैं, हम लोग किस तरह काम कर पाएंगे न्यू बॉम्बे में, और न्यू बॉम्बे में बहुत मजबूती से हमें काम करना है। मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है, मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूं और पार्टी से लगाव बहुत दिन से है, क्योंकि यादव, जो यादव शब्द आता है वो हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तब से लेके अभी अखिलेश यादव जी संभाल रहे हैं, तो कैसा है कि एक इंटरनल लगाव रहता है। कहीं भी जाओगे आप तो लोग कहेंगे अरे यादव भाई, ये अखिलेश यादव का व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, तो क्यों ना हम उसे पूरा करें। मेरा नाम शिव प्रसाद यादव है, मैं समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। नई मुंबई में मैंने राजा राम सालवी जब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उस समय से था, फिर नई मुंबई जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा जी के साथ भी मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया है, और जहाँ जैसा कि कहा जाता है कि आज नई मुंबई में समाजवादी पार्टी जो है जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो अब हमारे नई मुंबई नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हमारे चाचा जी माननीय आर्यन यादव जी की अध्यक्षता में हम नई मुंबई की जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, जो नेताजी, श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा है, वो हम घर घर जाकर लोगों तक पहुँचाएंगे और लोग चाचा जी के अध्यक्ष अगुवाई में यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बहुत सारे
आप देखिएगा आने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा कारवा यहाँ पे बन के तैयार होने वाला है। एक ही जिले के 6 सांसद पार्लियामेंट में गए हैं, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, और वो जिला है सिफई इटावा। नाम संजय यादव है और मैं समाजवादी पार्टी का नवी मुंबई का सेक्रेटरी के पद पे हूँ, और मैं चाचा श्री आर्यन यादव के नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करेंगे और लोगों से जा करके घर घर मिलेंगे, लोगों की जो समस्याएं होगी उसको सुनेंगे और लोगों को जन जन तक हम समाजवादी पार्टी की जो धारणा है, जो क्या है, मुलायम सिंह यादव जी का जो विश्वास है, हम उसको पूरा करें। शिव प्रसाद जी अच्छा बोले, हाँ सब अच्छा।